हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम डिप्रेशन और स्ट्रेस के बारे में सीख रहे थे, अपने पहले चार पार्ट देख लिए, अब पांचवा और आखिरी पार्ट की बात करते हैं। डिप्रेशन के बारे में बहुत सारी गलत फहमी है, गलत मान्यता है, जिसको अंग्रेजी में मिथ्स कहते हैं। चलिए इस मिथ को हम रिमूव करते हैं। पहला मिथ यह है कि डिप्रेशन दवाई के बिना ठीक हो सकता है। ये मिथ की वजह से बहुत लोग परेशान होते हैं। वो ज्योतिष के पास जाते हैं, वास्तु करवाते हैं, दोरा धागा करवाते हैं, कोई हवन होम करवाते हैं, नेचुरोपैथी वाले के पास जाते हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाते हैं, होम्योपैथी के पास जाते हैं, और आखिरी में हार के वो एलोपैथी डॉक्टर के पास जाते हैं, जब लगता है कि अब कोई हमारे पास चारा नहीं है तब। नहीं दोस्तों, डिप्रेशन के लिए पहले की कोई बात नहीं करिए, सीधा एलोपैथी डॉक्टर के पास जाइए। एक और मिथ है, ये पागलपन है। नहीं दोस्तों, डिप्रेशन पागल नहीं है। कभी ये मत बोलिए तो पागल हो गया है, इट्स नॉट ए पागलपन। पागलपन एक अलग बीमारी होती है जिसको अंग्रेजी में मैनिया कहते हैं, इससे ऑपोजिट होता है वो। ये पागलपन नहीं है, ये तो बेचारे का कम नसीब है कि उनके यहाँ केमिकल की कमी है उनके दिमाग में, उसकी वजह से उनको डिप्रेशन हुआ है, ये कोई पागलपन नहीं है। एक और मिथ है, इनका दिमाग वीक हो गया है। नहीं, कमज़ोर हो गया है, इनका दिमाग कमज़ोर है। नहीं दोस्तों, ये दिमाग कमज़ोर की निशानी नहीं है, ये बीमारी कोई दिमाग की कमज़ोरी नहीं है, ये एक केमिकल की कमी से होता है, ये कमज़ोर दिमाग की निशानी नहीं है। कभी ये मत कहिए कि इनका दिमाग कमज़ोर हो गया है, अब कुछ नहीं होगा। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, अरे बेचारे को डिप्रेशन हुआ, अब कुछ नहीं होगा। किसने बोला कुछ नहीं होगा? मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो 30-30 साल से डिप्रेशन के साथ जी रहे हैं। चर्चिल ने डिप्रेशन के साथ सेकंड वर्ल्ड वॉर जीता था। दोस्तों, डिप्रेशन के साथ जी सकते हैं आप, बहुत सारे आप इंटरनेट पे जाइए, आपको देखने को मिलेगा, फुल लाइफ जी सकते हैं, लाइफ को बेस्ट एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपने सही इलाज करवाया, सही हेल्प दी पेशेंट को, तो फुल्ली आप जिंदगी जी सकते हैं। और भी एक मिथ है, इस किसी ने इसके ऊपर कोई जादू टोना कर दिया है, काला जादू कर दिया है, ब्लैक मैजिक कर दिया है। नहीं दोस्तों, डिप्रेशन कभी ब्लैक मैजिक से नहीं होता है, मैंने पहले कह दिया, ये तो केमिकल इम्बेलेंस से होता है। ये सब बहानेबाजी है, ये सब गैरमान्यता है, जिसको अंग्रेजी में मिथ कहते हैं। इस मिथ से दूर रहिए, आप तो पढ़े लिखे लोग हैं, कौन सी दुनिया में जी रहे हैं आप? अभी तो आपको ये देखने के बाद तो कम से कम ये नहीं कहना है आपको। अब कुछ फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन होते हैं जो बार बार डॉक्टर को या किसी को लोग पूछते रहते हैं, मुझे भी पूछते रहते हैं। लोग पूछते हैं, क्या ये पागलपन है? नो, डिप्रेशन पागलपन नहीं है, इट इज़ नॉट ए मैडनेस। कोई ये पूछते हैं, ऐसा जरूरी है कि डिप्रेशन के लिए रीज़न हो? ऐसा भी पूछते हैं, सर इनको क्यों डिप्रेशन हुआ? अरे बिना रीज़न का भी हो सकता है। मैं कहता हूँ मुझे नहीं मालूम क्यों हुआ। बोला नहीं, कोई कारण तो होगा। नहीं दोस्तों, ज़रूरी नहीं है डिप्रेशन के लिए कोई कारण हो, बिना कारण का भी डिप्रेशन हो सकता है। कुछ लोग पूछते हैं, अच्छा इंडिया में डिप्रेशन के पेशेंट भी है? सबको लगता है ये तो अमेरिका में और वेस्टर्न कंट्री में ही है, इंडिया में ऐसी क्या चीज़ है? वहाँ भौतिकवाद बहुत चल रहा है, इसलिए सब डिप्रेशन वाले हैं। नहीं दोस्तों, अमेरिका में है उतना ही पेशेंट इंडिया में है। फर्क इतना है कि अमेरिका में जो डिप्रेशन के पेशेंट है वो डायग्नोस हो चुके हैं, रिकॉर्ड पे है, इसलिए हमको लगता है कि अमेरिका में और यूरोप में ज़्यादा है। हमारे यहाँ डिप्रेशन को डायग्नोसिस नहीं किया जाता है और रिकॉर्ड पे नहीं रहता है, इसलिए लगता है इंडिया में तो बहुत कम है डिप्रेशन के पेशेंट। और हमको लगता है हम गरीब है, गरीब को क्यों डिप्रेशन होगा, डिप्रेशन तो धनवान को होता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, डिप्रेशन के पेशेंट जितने अमेरिका यूरोप में है उतने यहाँ पे है। ये बेड मूड और डिप्रेशन में क्या फ़र्क, ये भी लोग पूछते हैं। मैंने पहले ही बताया कि आपका मूड कोई कारण से ख़राब होता है तो 3 हफ्ते से लंबा नहीं चलता है, जबकि डिप्रेशन में आपका बेड मूड 3 हफ्ते से आगे चलता है, महीना, 2 महीना, 6 महीना चलता है, ये फ़र्क है दोनों में। फिर से वो सवाल पूछते हैं कि क्या मेरे बेटे को होगा, मुझे डिप्रेशन है, मेरे फादर को डिप्रेशन था, मुझे होगा? होगा या नहीं होगा, दोनों डिपेंड करता है आपके अंदर कौन सा जीन्स आया है। पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, मगर ऐसा 100% नहीं है कि आपके फादर या मदर को था तो आपको होगा। दूसरी बात है कि डिप्रेशन का पेशेंट क्या काम कर सकता है?
बिल्कुल कर सकता है। एक बार उसको नॉर्मल दवाई चालू हो गई, उनका मूड अच्छा हो गया, 15 दिन से ले एक महीने में वो ठीक हो जाता है। ठीक यानी दवाई चालू रखने से बाद में वो नॉर्मल काम कर सकता है। मैंने कहा ना, डिप्रेशन के साथ चर्चिल ने सेकंड वर्ल्ड वॉर जीता है, काम करने में इससे कुछ नहीं है, क्योंकि उनके बाकी सब कुछ ठीक होने लगता है जब उनकी दवाई चलने लगती है, तो बिल्कुल काम कर सकता है। साइकोथेरेपी क्या है पूछते हैं, साइकोथेरेपी वही है, उसके अंदर बचपन से कुछ बुरी यादें पड़ी रहती है, उसको निकालने का काम करते हैं और उनको एक मौका देते हैं अपनी बातें निकालने का, बस और कुछ नहीं है। एक सवाल और भी होता है, क्या बिल्कुल ये 100% ठीक हो जाएगा? कोई गारंटी नहीं दे सकता, भगवान भी नहीं दे सकते कि अभी आपका डिप्रेशन ठीक हुआ तो जिंदगी भर वो ठीक हो रहेगा, कोई गारंटी नहीं दे सकता। ये पूछने की कोशिश ही मत करिए, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं, कितना जल्दी डायग्नोसिस हुआ, कितनी अच्छी ट्रीटमेंट मिली, पेशेंट कितना इंटेलिजेंट है, कितना उसको फॉलो करता है एडवाइस को, पेशेंट के रिलेटिव कैसा उनके साथ बिहेव करते हैं, ये सब के ऊपर डिपेंड है कि इनका डिप्रेशन ठीक होगा या नहीं होगा, होगा तो कितनी हद तक होगा और कब होगा, ये सब बहुत सारे फैक्टर के ऊपर है, इसलिए नोबडी कैन टेल। ऐसे भी सवाल पूछते हैं, सर डिप्रेशन के पेशेंट सब कुछ खा सकता है या कुछ चीज़ें नहीं खा सकता है? आजकल के ज़माने में जो दवाई आती है ना, उसमें सब कुछ खा सकता है। पहले के ज़माने में ऐसी दवाई आती थी जिसमें कुछ डाइट मना करते थे, मगर आजकल ऐसी कोई दवाई नहीं है जिसके साथ खाने का कोई इंटरेक्शन होता है, तो डिप्रेशन का दर्दी कुछ भी खा सकता है। देखिए दोस्तों, मैंने ये 5 एपिसोड में आपको बहुत कुछ डिप्रेशन के बारे में बताया है। अब आपके फर्ज बनती है कि इसको बार बार देखें, दिमाग में उतारिए, दिल में उतारिए, ढूंढना शुरू करिए, आजू बाजू में कहीं भी ऐसे कोई साइन सिम्टम दिखे तो उनको हेल्प करिए, सबसे बड़ा पुण्य का काम है। एक दिन मंदिर नहीं जा सके तो चलेगा, इसके बदले ऐसा कोई पेशेंट आपके ध्यान में है तो उसको डॉक्टर के पास लेके जाइए, उतना ही पुण्य मिलेगा जितना मंदिर जाने में मिलता है। और अभी तक मैं जानता नहीं हूँ कोई ऐसा एनजीओ है जो डिप्रेशन के पेशेंट को हेल्प करने के लिए है। अगर आप कोई एनजीओ खोलना चाहते हैं, कोई बड़ा अच्छा काम करना चाहते हैं, तो ये भी सोच सकते हैं कि मैं ऐसा एनजीओ खोलूं जहाँ ऐसे डिप्रेशन के बहुत मरीज जो समाज में है, जिनको अभी तक डायग्नोस नहीं हुआ, बेचारे सफ़र कर रहे हैं। आप सोचिए, एक हाउसवाइफ को डिप्रेशन है और ये सब सिम्टम है, और घर वाले को पता नहीं कि डिप्रेशन के कारण है, वो हाउसवाइफ की क्या हालत होगी? आप सोच लीजिए, बच्चे की क्या हालत होगी, अकेला रहता है वो इंसान की क्या हालत होगी? आजकल अकेले बहुत रहते हैं, जैसे बच्चा अमेरिका चला गया, वहाँ अकेला रहता है और उनको डिप्रेशन है, तो क्या हालत होती होगी? आपको ये सब चीज़ सीखना है और समझना है। इसी शुभकामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, नमस्कार।